नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे तीन स्टॉक्स के बारे में। आज के दिन में बढ़िया प्राइस एक्शन यहाँ बनते हुए देखने को मिला है। ज़ेनटेक, उषा मार्टिन एंड स्टर्लिंग एंड विल्सन स्टॉक। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ज़ेनटेक की। IT कंपनी है, सिर्फ 90 रुपये का स्टॉक का प्राइस चल रहा है। आज के दिन में 9 से 10% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। इसमें बाय कॉल इनिशिएट हुआ है और साथ ही आने वाले समय में आपको 100 रुपीज़ तक के टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, आज के डेली चार्ट की बात करेंगे तो स्टॉक ने 9% की तेज़ी के साथ जो है क्लोजिंग दी है। 5 दिन के चार्ट की बात करेंगे तो 8% के रिटर्न है 1 महीने में, 26% के 6 महीने में, 3.5% के ईयर टू डेट पे 1% के हैं और 1 साल की अवधि में आप देखेंगे 74% तक के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। तो देखिए, ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ का डेली चार्ट आप देखेंगे तो पिछले महीने स्टॉक में लगातार तेज़ी के बाद करेक्शन देखने को मिला था और फिर से अपसाइड यहाँ स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रही है। तो अगला टारगेट वही रखिए जो स्टॉक का रिसेंट हाई था, यानी 95 रुपीज़ का। ये अगर टारगेट निकलता है तो फिर आपको और तेज़ी यहाँ पर आती हुई देखने को मिलेगी। तो देखिए, वीकली चार्ट में देखेंगे तो 95 की रेंज में आपको स्टॉक में एक हर्डल दिखेगी। ये निकलने के बाद स्टॉक जो है आपको 100 या इससे ऊपर के लेवल भी जाते हुए देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगले स्टॉक की बात करते हैं जो कि उषा मार्टिन। आज की डेट में 7 से 8% की भी तेज़ी यहाँ देखने को मिली है और साथ ही एक अच्छे अपसाइड के साथ साथ यहाँ आगे भी मोमेंटम जो है आपको बढ़िया प्राइस एक्शन जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है। तो देखिए, आज के चार्ट की बात करेंगे, लगभग 5.5% के आसपास की तेज़ी के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 5 दिन के चार्ट पे 10.5% के रिटर्न, 1 महीने के चार्ट पे 16%, 6 महीने में 80%, ईयर टू डेट में 58% और 1 साल में देखिए स्टॉक लगभग 200% तक के रिटर्न दे चुका है। तो देखिए, उषा मार्टिन का डेली चार्ट ओपन कर लिया है। डेली चार्ट पे आपको कई राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे स्टॉक ने एक साथ आज की डेट में ब्रेक करते हुए आपको देखने को मिला है। कल की डेट में और यहाँ पे नज़र रखी, 60 रुपये का टारगेट अगर स्टॉक और निकाल देता है जो कि आज के दिन में एक जो है रेजिस्टेंस को फेस किया है, 60 का स्टॉक जैसे ही टारगेट निकालेगा और सस्टेन करेगा तो फिर आपको बढ़िया तेज़ी यहाँ देखने को मिलेगी। वीकली चार्ट पर भी स्टॉक ने एक ब्रेकआउट आज की डेट में दे दिया है और मंथली चार्ट की बात करेंगे तो स्टॉक आपको ऑलरेडी ऑल टाइम हाईज पर जो है ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। 60 के टारगेट के लिए पहले नज़र रखें, उसके बाद जो है 65 से 70 के भी टारगेट आपको धीरे धीरे आते हुए आने वाले समय में दिखाएगा। तो देखिए, अगले स्टॉक की बात करते हैं जो कि है स्टर्लिंग एंड विल्सन। इसमें आज की डेट में 5.5-6% तक की तेज़ी देखने को मिली है। इस स्टॉक पे एक अपडेट है, यहाँ पे कल की डेट में यानी 29 तारीख को कंपनी के Q4 के नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। स्टर्लिंग एंड विल्सन की ये प्रेस रिलीज़ आप देख सकते हैं, 29 जून 2021 को नंबर्स कंपनी पोस्ट करेगी। Q4 के नंबर्स अच्छे रहने की पूरी संभावना है। अच्छे अगर आते हैं वाकई तो फिर यहाँ पे बहुत ही दमदार तेज़ी और आपको बनते हुए देखने को मिलेगी। तो देखिए, आज के चार्ट की बात करें तो 5% की जो है बढ़िया तेज़ी स्टॉक ने दिखाई है और ऊपरी स्तरों से हल्का सा हालांकि जो फिसलते हुए देखने को मिला है। 274 के जो अचीव आज का हाई स्टॉक ने गेन किया था, उसके बाद वहाँ से आपको लगभग स्टॉक 8 रुपये के आसपास टूटते हुए ऊपरी स्तरों से देखने को मिला है। 5 दिनों की बात करेंगे तो 11% के रिटर्न है 1 महीने में, 17.5%, 6 महीने में 19% के ई एल टी डेट पर स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिलेगा आपको 2% की तेज़ी के साथ और 1 साल में जो है स्टॉक ने 27% ही काम किया है। तो देखिए, जो है स्टर्लिंग विल्सन का डेली चार्ट ओपन कर लिया है। डेली चार्ट या NSE पर आपको सिंबल SW सोलर दिखेगा। सोलर की एक कंपनी है, सोलर का कारोबार करते हैं। आज के दिन में आपको एक पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिल रहा है। ये मोमेंटम आपको कल की डेट में जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है। मार्केट या आफ्टर मार्केट्स कल के डेट में नंबर्स आते हुए दिखेंगे और नंबर अच्छे रहते हैं तो निश्चित रूप से 300 का टारगेट आपको स्टॉक ईजिली एक ही दिन में चढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी पोटेंशियल है और काफ़ी समय से स्टॉक जो है अंडर परफॉर्मर रहा है। 300 का लेवल तोड़ेगा तो 330-334 तक एक टारगेट के लिए और यहाँ पे नज़र रखिए। लेकिन सबसे पहले नज़र रखेंगे इसके Q4 के नंबर्स पर। नंबर जैसे आएंगे इसी चैनल पे आपको वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा, सारी उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए, तीनों कंपनीज के स्टॉक के बारे में बात कर लिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।